सुनो मेरी बात, दिवाली का मतलब पटाखे जलाना बिल्कुल नहीं होता। मतलब दीदी? मतलब ये कि अगर हम पटाखे नहीं भी जलाएंगे तो भी हम दिवाली धूमधाम से मना सकते हैं। लेकिन दीदी अगर पटाखे नहीं जलाएंगे तो मजा कैसे आएगा दिवाली पे? पटाखे जलाने से पॉल्यूशन फैलता है जो किसी के लिए भी सही नहीं है। लेकिन क्यों? पटाखों की आवाज से साउंड पोल्यूशन होता है जिससे पशु पक्षियों को सुनने में दिक्कत होती है, और पटाखे जलाने से एयर पोल्यूशन होता है जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। दिवाली का सही मतलब है दीपों का त्योहार। दिवाली पे हम नए नए कपड़े पहनते हैं, भरपूर मिठाइयाँ खाते हैं, रंगोली बनाते हैं, घर की साफ सफाई करके उसे सजाते हैं और एक दूसरे को प्यार बांटते हैं। ये है दिवाली का सही मतलब। लेकिन दीदी मुझे तो पटाखे जलाना बहुत पसंद है और मुझे भी। मुझे तो लगता है तुम दोनों को मुझे दिवाली और पॉल्यूशन की स्टोरी सुनानी ही पड़ेगी। है दीदी स्टोरी? हाँ सुनोगे तुम दोनों? हाँ दीदी। और फ्रेंड्स आपको भी सुनी है स्टोरी, तो चलो शुरू करते हैं। हा, हा, हा। मैं हूँ पॉल्यूशन और मैं हूँ दिवाली। शुभ दिवाली। अरे दिवाली मेरी दोस्त तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब तुम आ गई हो तो मैं खूब बढ़ूंगा। अरे दूर रहो मुझसे, मैं किसी की दोस्त दोस्त नहीं हूँ और खासकर तुम्हारी। वैसे भी कोरोना चल रहा है और तुम हो कि मुझसे चिपटे जा रहे हो। तुम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना सीख लो, तुम्हें तो खासकर सबसे दूर ही रहना चाहिए। पॉल्यूशन कहीं का क्या कह रही हो तुम? जब तुम आती हो तभी तो मैं फैलता हूँ, तो मैं ना तुम मेरे दोस्त। ये गलत फहमी है तुम्हारी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जब मैं आती हूँ तो मैं खुशियाँ लाती हूँ, लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, और जब मैं आती हूँ तो एक नई शुरुआत होती है। मुझे तो ऐसा गलत है तुमको हो गई है दिवाली। जब तुम आती हो तो लोग बम पटाखे फुलझड़ी रॉकेट और बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं जिसकी वजह से सारा आसमान धुआं धुआं हो जाता है। बच्चे बूढ़े खांसते नजर आते हैं और पशु पक्षियों को कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती छिपने के लिए। और तुम कहती हो कि तुम खुशियाँ लाती हो। चलो चलो मैं नहीं मानती ये सब। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैं लेता हूँ तुम्हें प्रूफ। ये देखो दिल्ली के पिछले 5 सालों का पॉल्यूशन ट्रेंड जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। जब मैं बढ़ता हूँ तो ये भी खूब बढ़ता है, और इसका बढ़ना मतलब हवा का खराब होना होता है। और जो माय गॉड ये सब आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि मैं खुशियों का त्योहार हूँ, लेकिन आप इस त्योहार को पॉल्यूशन का त्योहार बना रहे हो। मुझे तो लगता था कि मैं लोगों के जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैं आती हूँ तो बच्चे और बूढ़ों को सांस की परेशानी हो जाती है, और पशु पक्षियों को छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं मिलती। मैं दिवाली आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस दिवाली से पटाखे नहीं जलाओगे और इस पॉल्यूशन को बढ़ने नहीं दोगे। अगर आप सबने मेरी रिक्वेस्ट मानी तो दिवाली फिर से खुशियों का त्योहार बन जाएगा। आओ सब बोलो मेरे साथ, हम सबने उठाना है इस पॉल्यूशन को, हराना है, भगाना है। समझ गए ना पॉल्यूशन? चल निकल यहाँ से, निकल निकल। नहीं निकला तो चलिए सब एक साथ मिलकर मेरे साथ एक नारा बोलिए। चलो हाथ से हाथ मिलाएं, चलो हाथ से हाथ मिलाएं, प्रदूषण को जड़ से मिटाएं, प्रदूषण को जड़ से मिटाएं। बिना पटाखों की दिवाली, बिना पटाखों की दिवाली, लाए सबके घर में खुशहाली, लाए सबके घर में खुशहाली। जब दियों से होता उजाला, जब दियों से होता उजाला, तो क्यों लेना पटाखों का सहारा, तो क्यों लेना पटाखों का सहारा। हमारी धरती हम ही बचाएं, हमारी धरती हम ही बचाएं, बिना पटाखों की दिवाली बनाएं, बिना पटाखों की दिवाली बनाएं। माहिरा नव्या कैसी लगी तुम्हें ये स्टोरी, और तुम लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा? दीदी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और
मैं तो आज के बाद कभी पटाखे नहीं जलाऊंगी। वेरी गुड माहिरा, नवरात्र तो स्टोरी से सीख लिया कि दिवाली का सही मतलब पटाखे जलाना नहीं होता। और फ्रेंड्स, आई होप आपने भी स्टोरी से कुछ सीखा। तो आइए इस दीपावली के त्योहार को पटाखों की बजाय सब एक साथ मिलकर खुशी के साथ मनाएं।